press the bell icon, never miss an update from Student Gabri. Hello friends, welcome to Student Gabri. This is Arshi Khan and I am here with one more video. In this video, I'm going to talk about this Rachi, jo ki 1955 ka established college hai yaar. 50 साल से ऊपर हो गया है इस कॉलेज को. तो कई सारे स्टूडेंट्स तो ये सोचते हैं कि ये वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन है बिकॉज इतना पुराना कॉलेज है तो यू नो टॉप की लिस्ट में तो आता ही होगा. तो आज हम ये जानेंगे कि क्या यहाँ जाना ऑप्शन वर्थ है या नहीं, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, किन कोर्सेज के लिए जाना जाता है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा ऑप्शन है या नहीं. सो ऑब्वियसली रांची में झारखंड में लोकेटेड है ये कॉलेज. PGDM ऑफर करता है, कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो ऑफर करता है मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, रूरल मैनेजमेंट एंड IT के अंदर. तो अगर हम बात करें, दिस इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो कि रूरल मैनेजमेंट में ऑफर करता है. देर इज़ वन मोर इंस्टीट्यूशन IRMA जो कि रूरल मैनेजमेंट में ऑफर करता है. तो वैसे बहुत कम इंस्टीट्यूशन है जो रूरल मैनेजमेंट में ऑफर करते हैं, इट इज़ वन ऑफ देम. फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो कई जगह इट इज़ समवेयर अराउंड 8 लाख रुपीस, बट कॉलेज की वेबसाइट के हिसाब से इनका जो 2 साल का PGDM का फीस स्ट्रक्चर है दैट इज़ 10 लाख रुपीस. अब क्या 10 लाख रुपए इस कॉलेज के अंदर इन्वेस्ट करना वर्थ है या नहीं? कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है एंड ऑब्वियसली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है. बहुत ऑप्शन है कि हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं यार एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. ये 50% इन योर ग्रेजुएशन, देन ऑब्वियसली यू नीड टू फिल इट्स एप्लीकेशन फॉर्म एंड आफ्टर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म यू विल बी गोइंग फॉर GDPI एंड देन उस बेसिस पे ये उसको सिलेक्ट करते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करूँ तो वो 1000 है, आप इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि क्या हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है. यस, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है और उसकी जो रेंज है वो 80,000 से 1,20,000 ईयरली के बेसिस पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी. मैं कट ऑफ की बात करूं तो कई सारे जगह पे कई सारे स्टूडेंट्स से जो हमने बात की उनका ये कहना है कि यार ये कॉलेज जो है वो, अगर हम बात करें जो स्टूडेंट इस साल जाना चाह रहे हैं इस कॉलेज के अंदर, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने ये सुना है कि ये कॉलेज HR एंड रूरल मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है. तो क्या सच में ये कॉलेज HR एंड रूरल मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, वो तो तब पता चलेगा जब हम इसकी प्लेसमेंट्स पर डिस्कस करेंगे. सो ऑब्वियसली कट ऑफ की बात करें तो लेट्स से कट ऑफ इसका यू नो 60-70% इन कैट और CMAT में भी इतना ही कट ऑफ जाता है, 60-75 के बीच में इसका कट ऑफ रहता है. देन बाकी GDPI पे डिपेंड करता है. यार अगर आप भी वो स्टूडेंट हैं जो GDPI में स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे मैं किसी कॉलेज का GDPI क्रैक करूं, कैसे यू नो मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है थ्रू GDPI, तो यार उसके लिए यू नो यू कैन रीच आउट टू द नंबर, वी कैन टेल यू दैट हाउ यू कैन क्रैक योर GDPI फॉर एनी कॉलेज. देर आर फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स यार जिससे आई कैन गारंटी यू कि यू नो आप किसी भी कॉलेज के GDPI में बैठोगे आपको ना तो बिल्कुल ही नहीं सुनना पड़ेगा. अब हम बात करते हैं यार ये कट ऑफ हो गया, हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कॉलेज का एक्सपोजर कैसा है. ऑब्वियसली कॉलेज में ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी है, देन कैफेटेरिया है. दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको ऑलमोस्ट कई सारे कॉलेजेस में, ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में मिलती हैं. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है दैट इज़ प्लेसमेंट केयर, कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है. सो अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की. तो अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो जो एवरेज प्लेसमेंट जो स्टूडेंट्स ने बताया है इट इज़ समवेयर अराउंड 5-5.5 लाख रुपीज़, वेरस अगर हम इनके हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इट इज़ समवेयर अराउंड 40 लाख रुपीज़. कई स्टूडेंट्स का कहना है कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए आप ये कॉलेज देख सकते हो, बट ऑब्वियसली 10 लाख रुपए लगा के अगर आपको 5-5.5 लाख का प्लेसमेंट मिलता है तो इट्स नॉट दैट वर्थ ऑप्शन. एंड अपार्ट फ्रॉम इट वन मोर थिंग, यू नो कई सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि यू नो प्लेसमेंट आज सच उतने नहीं है. तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट ओपिनियंस हैं अबाउट दिस कॉलेज. यार इवन कई स्टूडेंट्स का ये तक कहना है कि यार इतना पुराना कॉलेज हो के इट इज़ नॉट अमंग टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 भी स्कूल्स. सो ये कुछ रिव्यूज़ हैं विच इज़ गिवन बाय स्टूडेंट्स जो यू नो भले हम मैसेज की बात करें, भले हम फॉर्म्स की बात करें, जो स्टूडेंट्स ने बताया अबाउट दिस कॉलेज. सो अगेन क्या यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स एंड रूरल मैनेजमेंट करना अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल की कि आपका कैट स्कोर कितना है, आपका प्रोफाइल कितना है, आप और इसके अलावा कौन कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो और उन कॉलेजेस में से ये कौन सी लिस्ट पे आना चाहिए, क्या ये टॉप की लिस्ट पे आना चाहिए या बॉटम की लिस्ट पे आना चाहिए. तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. बाय कीपिंग दीज फैक्टर्स, फीस स्ट्रक्चर, एवरेज प्लेसमेंट,
करिकुलम, ये तीन चार चीज़ों के बेसिस पे आप कॉलेज को जज कर सकते हो, कब स्टैब्लिश हुआ है एंड ऑल दैट, ये सारे पैरामीटर्स पे आप जज कर सकते हो. बट सिर्फ कब स्टैब्लिश हुआ है उस पैरामीटर पे आप गए तो हो सकता है कई सारे कॉलेजेस में आप एकदम गलत तरह से फंस जाओगे. तो उसके लिए यू नो अगेन आप एनालिसिस करो एंड इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम अस कि हम आपका एनालिसिस करें तो यू कैन जस्ट शेयर योर प्रोफाइल एंड द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस व्हाट यू टारगेटिंग. वी कैन टेल यू कि उनमें से कौन सा ऑप्शन अच्छा है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस रांची बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग इन द लाइव सेशन टू मेक अ वीडियो ऑन दिस. एंड इफ यू लाइक इट प्लीज यार लाइक कर दो एंड शेयर करना मत भूलना, भले लाइक करो या ना करो. सो थैंक यू सो मच.